नमस्कार दोस्तों आ, स्वागत है संबित पीएचडी चैनल में तो यहाँ पे हम मैं मेरा पीएचडी एक्सपीरियंस मास्टर्स मेरा स्टडी एक्सपीरियंस यूरोप में शेयर करता हूँ प्लस ऐसे लोगों को लाता हूँ जैसे आज हमारे साथ अभिजीत हैं जो स्वीडन से लाइव हैं एक्चुअली अभिजीत ने इंडिया में बैचलर्स किया है मास्टर्स किया नैदरलैंड में पी कर रहे हैं अभी स्वीडन में एक साल तीन महीना हो गया और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम स्वीडन में खर्चा कितना होता है वो उस पर बात करेंगे इन वेरी शॉर्ट और इसके पहले दो वीडियो जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि वो मास्टर्स कैसे किए थे नेदरलैंड्स में उनका एक्सपीरियंस क्या था और दूसरे वीडियो में हमने बात किया था कि उनका पीएचडी एक्सपीरियंस कैसा था स्वीडन में और इस वीडियो में हम बात करेंगे आ, खर्चे के बारे में तो पहला क्वेश्चन है अभिजीत कि आप जो घर में रहते हैं वो घर का रेंट कितना है और कैसा उनका सिस्टम है मतलब सारी चीजें इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी या इंटरनेट या कैसा है मतलब घर का एक्सपीरियंस क्या है रेंट में और आप ढूंढते टाइम कैसा आपका एक्सपीरियंस था घर जब ढूंढ रहे थे हाय एवरीवन जब से मुझे इंट्रोड्यूस किए uh, मेरा जो घर का एक्सपीरियंस uh, था वो नैदरलैंड से था ढूंढने का Uh, मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में लिया तो इसलिए मुझे इजीली मिल गया यहाँ पे घर एंड यहाँ पे जब मैं पूछा था कि रेंट कैसे फ़िक्स होता है तो बोला गया था कि मुझे कि रेंट गवर्नमेंट फिक्स करता है तो और वो फ़िक्स्ड रेंट में जनरली uh, क्या होता है कि आपका हीटिंग्स वग़ैरह इंक्लूडेड हो जाता है बट इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं होता है एंड मेरा रेंट यहाँ पे है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन स्वीडीस क्राउन्स पर मंथ जो रेंट है उसमें आपका हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इंक्लूडेड है अगर आप कम यूज करते हो तो आपका रेंट कम हो जाता है uh, वो मतलब लौटा देते हैं इस टाइप का होता है एंड अगर ज्यादा यूज करते हो तो ज्यादा uh, आपको अडिशनल पे करना पड़ता है नेक्स्ट मंथ में खर्चा मतलब देखने के लिए मेन चीज क्या रहता है रोटी कपड़ा मकान अभी मकान के बारे में हमने पहले बात कर लिया मकान के साथ और दो चीज आता है जैसे कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अलग से पे करना होता है और इंटरनेट का भी आपने शायद नहीं बताया तो इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट वो कितना खर्चा रहता है अप्रोक्सीमेटली एक महीने में एक आदमी का जब मैं पहले लास्ट टाइम आया था लाइक लास्ट ईयर आया था तो पहले के कुछ महीने में इलेक्ट्रिसिटी तो

I नहीं मतलब do... रूम में जो हीटिंग होता है वो कैसा है वो हीटिंग इज इंक्लूडेड इन द रेंट हाँ हाँ तो वो गैस में होता होगा ना गर्म पानी जो आके हीट करता है नहीं वो मुझे डायरेक्टली पता नहीं है बट मैं जितना भी यूज किया हूँ और मुझे जितना पता है वो उसका सेपरेट रहता है जो लैंडलॉर्ड पे करते हैं एंड यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर योर गैस जितना भी यूज करो वो डू नॉट हैव टू पे Uh, ये मुझे पता है बट आई हैव रेड एनी वेर अबाउट दिस सो आई कैन नॉट गारंटी द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड वो आपका और जो इंटरनेट रहता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि एज अ स्टूडेंट यू गेट स्टूडेंट डिस्काउंट एवरी एक रहता है स्टूडेंट कार्ड रहता है जो आप अप, लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर ए पी एच डी स्टूडेंट और ए मास्टर स्टूडेंट वो पी एच डी सॉरी वो जो स्टूडेंट कार्ड रहता है स्टूडेंट कार्ड के बेसिस पे आपको इंटरनेट में बहुत सस्ते सस्ते में मिलता है लाइक like मैं आई पे हंड्रेड नाइन स्वीडी पर मंथ विच कम्पेयर के अंदर रहता है एंड उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा तो ऑबियसली रहता है लेकिन उसके साथ आपको हंड्रेड Uh, 100 का 10 का, 10 का मिलता है। और ये Swedish, uh, मतलब जो होता है, के में आपको और भी बहुत सारे जगह मिलते हैं बाहर खा रहे हैं या और कुछ खरीद रहे हैं बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं उसके लिए आ, जैसे बुकिंग डॉट कॉम में टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है फ्लिक्स बस में टेन परसेंट मिलता है आ, बहुत सारे रहता है जैसे फोन खरीदो कुछ डिस्काउंट मिलता है आ, नहीं नहीं सॉरी आप बताइए आप बताइए मतलब बहुत सारा अभी मैं इतना तो मैं मैं जितना यूज किया था मैं वो बोल दिया लाइक मीडिया मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी स्टोर में मिलता है आ? नहीं मतलब एक चीज इसमें अच्छा है कि एक बात मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ जैसे पीएचडी जॉब है आपको सैलरी मिलता है बट स्टिल आप कोर्स वर्क कर रहे हैं तो यू आल्सो गेट ऑल द ऑफर्स लाइक स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट कार्ड मिला एंड आप उसको यूज कर पा रहे तो काफी अच्छा चीज है कि दोनों फायदा मिल रहा है एक साथ और स्टूडेंट का डिजिटल कार्ड होता है वो कुछ ये फिजिकल कार्ड नहीं है बट वो डिजिटली अप्लाई करना होता है और ऑटोमेटिकली अप्रूव होता है हम्म हम्म ठीक है तो जैसे हम बोल रहे थे पहले कि मकान हो गया अभी रोटी कपड़ा तो रोटी पे जाते हैं तो उसमें दो चीज है कि मतलब इन जनरल आप एक दो आइटम्स हाईलाइट कर सकते हैं अभी सारी चीजों पे तो हम बात नहीं करेंगे तो uh, मे बी आप एवरेज पहले बता सकते हैं फिर एक दो आइटम्स पे जा सकते हैं कि आपका मंथली एवरेज ग्रॉसरी सपोज आप घर में खाना बना रहे हैं तो कितना रहता है रेंज और बाहर अगर खाने गए तो उसका प्राइसिंग कैसा रहता है सपोज कोई फास्ट फूड गया मैकडोनल्ड्स या कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट तो कैसा रहता है मतलब ग्रॉसरी खरीदना और उसका एक्सपेंस पर मंथ और खाने का एक दो बार या जितना भी खाते हैं पर मंथ

हाँ सब्सिडाइज रहता है तो मतलब आ, जैसे नेदरलैंड्स में आप लंच में ब्रेड वगैरह खाते हो यहाँ पे ब्रेड नहीं खाते हैं यहाँ पे हेवी हेवी लंच रहता है ने, ने, आ, ये शायद मैंने एक बार वीडियो में भी बताया था जस्ट टू इंटरप्ट कि नेदरलैंड्स में खाना करके कुछ है नहीं तो यहाँ पे वो मतलब ऐसे ही जस्ट सूप पानी और ब्रेड तो काफी हेल्दी होता है बट आपको अच्छा नहीं लगेगा खाने में और बाकी कच्चा पालक ये जो भी पत्ते कहीं से ले आओ खा लो वही है इनका मतलब का एंड uh, uh यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है एंड दे एंड वो एंड जनरली अगर आप ऑफिस में खाते हो तो अराउंड ऐसा uh, uh, होता है अराउंड हंड्रेड क्राउंड या नाइन हंड्रेड से हंड्रेड क्राउंड मतलब सॉरी नाइन्टी क्राउंड से हंड्रेड क्राउंड इसका मतलब नाइन यूरो से टेन यूरो पर मील मिलता है

जो लंच वगैरह बाहर कर रहे हो उसका वन ट्वेंटी यूरो टू एटी यूरो और बाकी अच्छा वीकेंड में अगर बाहर खाने गए वीकेंड में भी अगर बाहर खाते हो एंड आपके पास स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह है तो मतलब दस, दस से, से पंद्रह यूरो या आठ से पंद्रह यूरो के अंदर मिल जाएगा अच्छा। तो मोरल लेस ऐसे कोई आप अल्बेलॉन टाइप कुछ है मतलब जैसे बहुत सारे अले अले लौन, लौन, आपको पता नहीं होगा मे बी शायद हमने वीडियो नहीं बनाया वो एक एक काफी मस्त ग्रिल मतलब एक में था जो आठ नौ यूरो में ऐसे थाली भर के पूरा बटर बटर डाल के रोटी चिकन चावल बहुत सारे चटनी रोटी मजा आ जाता सैलेड ऐसा यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे और एक इंडोनेशियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुफे लगता है चार टाइप का uh, खर्चा कर लेते हो अगर इस टाइप का रूटीन रहता है okay, तो ये तो समझ गया तीन सौ बट एक और चीज और एक एक्सपेंस जो रह गया वो जान बुझ के मैंने दूसरे अपॉइंट में डाला था की अगर आप इंडियन uh, मतलब ग्रॉसरी में वो इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप कोई इंडियन रॉ मेटेरियल खरीद रहे हैं घर में बनाने के लिए या फिर इंडियन जाके खा रहे क्योंकि यूरोप में इतना ऑथेंटिक इंडियन फूड तो कहीं मिलता नहीं है बट स्टिल uh, काफी एक्सपेंसिव रहता है सपोज नेदरलैंड्स में खाओ जर्मनी में खाओ जितना मैंने देखा है तो वहां पे वो कैसा है मतलब अगर इंडियन रेस्टोरेंट कहीं जाके खा रहे हो आई थिंक वो भी शायद महीने में एक बार या दो बार ही होता होगा या फिर जीरो भी होता होगा तो वो कैसा रहता है प्राइस

एंड वहाँ पे लाइक like, दो नहीं दो से तीन है शायद मुझे इतना याद है एंड वहाँ पे मैं एक बार खाया था जब पहले पहले आया था उसके बाद कभी नहीं खाया हूँ एंड मैंने मतलब इससे पता चल रहा है कितना अच्छा रेस्टोरेंट है मतलब <laughs> 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 नहीं इतना वो इतना अच्छा नहीं है मतलब वो सब चीज हम नहीं सब नहीं, सब नहीं वही पता... बोलना चाहता हूँ कि उसीलिए आपने एक बार खाया स्टार्टिंग में और कभी गए नहीं वहां मतलब वो मेरा ओपिनियन है कि मैं एक्चुअली मतलब कोई इश्यू नहीं आप तो नाम नहीं ले रहे हैं तो तो कोई कोर्ट केस फाइल नहीं कर रहे मेरे चैनल के खिलाफ तो कोई इश्यू तो नहीं तो हाँ हम घर में बना सकते हैं अगर जो भी चाहे एंड अब मैं आपको रफ एस्टिमेट बोल सकता हूँ कि अगर जैसे आप बटर चिकन ऑर्डर करते हो यहाँ पे तो अराउंड आपको वन स्वीडिश क्राउंड पड़ता है तो इसका मतलब अराउंड थर्टीन यूएस थर्टीन से हाँ 12 से थर्टीन ट्वेल्व से थर्टीन यूरोज और उसके साथ तो राइस कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है हाँ ये एक्चुअली ये हर जगह यहाँ पे लोग मतलब पता नहीं क्या है बट चावल सब देते हैं कॉम्प्लीमेंट तो वो बारह यूरो हाँ लेकिन वो बारह यूरो में लाइक ट्वेल्व यूरो में आप दो बार खा सकते हो मतलब एक अकेला आदमी दो बार खा सकता है हम्म बट प्राइस वाइज ठीक है मतलब नेदरलैंड से तो थोड़ा सस्ता लग रहा है हाँ आई मीन मैं अगर स्टॉक में रहता तो वो बारह यूरो की जगह अठारह यूरो हो जाता है uh, या सत्रह यूरो बीस यूरो के आसपास लिंक शॉपिंग कंपेयर टू इंडोवेन इन नेदरलैंड्स तो थोड़ा चीप रहता हम्म ठीक है तो और क्या बाकी रहा खर्चे में uh, हमारा रोटी हो गया मकान हो गया Uh, कपड़े पे जाने से पहले एक मेन चीज पे बात करते हैं आपने बताया है कि स्टूडेंट कार्ड के वजह से काफी चीजों में डिस्काउंट मिलता है तो जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस रहा तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है लोग बाइक कार क्या यूज करते हैं आई थिंक आपके पास बाइक ही होगा या पता नहीं आपने अगर कार खरीद लिया होगा <laughs> तो

अगर आप बस के ऊपर जाते हैं तो बस ऊपर नहीं मतलब बस टॉपिक में जाते हैं तो हाँ वो तो हिंदी का ही होता है जुबान फिसल जाती तो आपके तो नहीं नहीं आप अपना बात चालू रखिए तो बस में जनरली आपको आ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपको आई थिंक देख सकता हूँ कि हाँ, हाँ, देख लीजिए आपका कोई ऐप आप होगा शायद हाँ, तो मतलब ऐप को दिखा भी दीजिए कैमरे में आपका कैमरा क्वालिटी कैसा पता नहीं आप भी हम भी देख लेंगे अच्छा उस उस आप अगर आप हाँ देख सकते हैं पता नहीं आप अगर दिखाना नहीं चाहेंगे कोई हाँ, क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन होगा आपका तीन चार क्रेडिट कार्ड है आपके पास हमने सुना था ये आप है वो आपका नाम नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैं दिखाने से नहीं वो छिपा दीजिए कोई इशू नहीं, मतलब नहीं नहीं आप नहीं तो ये आप रहता है ये तो मुझे टिकट्स करके दिखा और तो कुछ दिखा नहीं आपने ऐसे ही तेजी से मतलब हाँ तो ये, हाँ, ये आप कुछ लाल लाल काला काला कुछ दिख रहा है हाँ तो यहाँ पे इस एप आप में आपका क्या नाम है हम डाल देंगे यहाँ पे आप एक बार नाम भी बता दीजिए स्क्रीन में डाल देंगे अलग अलग रहता है क्योंकि तो, नेदरलैंड में वो अच्छा है कि छोटा जगह है तो एनएस एप या नाइन टू नाइन टू इसमें सब हो जाता है हाँ लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग सिटी है तो अलग अलग ऐप्स रहता है एंड जो जैसे लिंक शॉपिंग और उसके सराउंडिंग एरिया में तो उस ऐप का नाम है आप बोल सकते हो ऑस्ट गौ, गोत, ट्रैफिक तो ये शायद आप व्हाट्सएप में एक बार भेज दे देना क्योंकि मैं तो स्वीडिश नहीं हूं तो ये काफी मुश्किल लग रहा है सुनने हाँ या उसको प्रोनाउंस करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी तो एंड अगर आप मैं जैसे बोला कि अगर आप थर्टी डेज का पास खरीदते हो एंड उसका

रीजन के लिए वो रीज़न रीज़न होता है तो है।, है, है तो इस तो single... के लिए रहता एंड ऊंचाई नहीं मैं पहले पहले बहुत बार बस में जाता था लेकिन अभी मैं बस में नहीं जाता हूँ हमेशा बाइक से जाता हूँ मतलब वो एक हैबिट बन जाता है, तो है। ये वीडियो भी छोटा है, हम करना चाहते थे बट ये वीडियो भी हंसी मजाक से बड़ा बन गया तो होपफुली आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कुछ सीखेंगे वीडियो से और लाइक भी दबा के जाइएगा तो कि अलगोरिदम को मिले और आपके लिए देखिए मेहनत करके हम दोनों को हिंदी बोलना आ भी नहीं रहा है बट बोल रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ शायद बच गया कुछ या बचा नहीं कुछ एक मिनट देख लेते हैं ब्रेक करते हैं और फिर आके मिलते हैं आखिरी वीडियो में जो काफी डीप जाएंगे हम अभिजीत के दिमाग के अंदर की मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या है अः मतलब कैसे वो कंपेयर करते हैं क्योंकि वो तीनों कंट्री का ऑलरेडी एक्सपीरियंस कहते हैं इतने कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट <laughs> बैचल <से, laughs> तो बैचलर्स मास्टर्स नेदरलैंड्स से और पीएचडी स्वीडन में कर रहे हैं अभी स्टार्ट किया है वो अंत नहीं किया है वो बोलना नहीं चाहिए नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं नजर लग जाता है तो so, <laughs> आखिरी वीडियो में इस पे बात करते हैं टिल देन रात्रि सबा सबाखेर फ्रॉम जर्मनी पीस